और वचन। यू और मैं इस वचन वचन को आपके लिए पढूंगा। uh, और में लिखा है। परमेश्वर इसराइल के लोगों से बात कर रहा है यू हैव नॉट ब्रॉट मी शीप फॉर बर्न ऑफरिंग नोर ऑनर्ड मी विथ योर सेक्रीफाइसेस मेरे लिए होम बली करने को तू मेम ने नहीं लाया और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की आई हैव नॉट बर्डन यू विद ग्रेन ऑफरिंग्स नॉर वियरिड यू विद डिमांड्स फॉर इंसेंस देख मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा से तुझसे नहीं कराई ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है यू हैव नॉट बॉट एनी फ्रेगरेंट खलामस फॉर मी फैक्ट ऑफ योर सेक्रीफाइसेस तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये से मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया बट यू हैव बर्डन मी विथ योर सिंस एंड वीअर रीड मी विथ योर ऑफेंसेस परंतु तू ने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। the title of is, of Man to Cope. और आज के मनन का शीर्षक है मनुष्य की असफलता जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकता In और यशिया नबी की पुस्तक उसके तेरालीसवें अध्याय में परमेश्वर अपने प्रेम को इसराइल के लोगों के प्रति बताता है और वो प्रेम के जो लाभ हैं वो भी वो बताता है ऑल द ब्लेसिंग्स मैंशनड इन दिस सेक्शन इन दिस चैप्टर अप्लाई इवन मोर टू दोज हु दो चिल्ड्रेन दो थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट और इस अध्याय में मौजूद हर एक आशीष हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की संतान बन चुके हैं एंड सो प्लीज रिमेम्बर और इसलिए कृपया करके याद रखें Everything we are and everything we have and everything we receive from God, it is all through our faith

The object of God's love and for eternity. और याद रखिए मनुष्य परमेश्वर का प्रेम का एक ऐसा का जरिया बन जाना था एक ऐसी वस्तु बन जाना था जिस पर परमेश्वर अपने प्रेम को दिखा सके बट मैन हिमसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर िसिंग गॉड्स फॉर्पस इन लाइफ लेकिन मनुष्य खुद इस बात के लिए जिम्मेदार था कि उसने परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों को अपने जीवन में खो दिया हाउ आर वी रेस्पॉसिबल और कैसे हम जिम्मेदार हैंड और हमारे पहले माता पिता जो आदम और हवा थे उन्होंने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी बन के हाउ कैसे बाय सेटन, लिस इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड्स कमांड टू अनाज्ञाकारी बने कैसे इस बात के द्वारा कि उन्होंने शैतान की आवाज को सुना और उसके द्वारा वचन को मिश्रित किया गया और उस वचन को सुनकर और उसकी वाणी को मानकर See, God created a beautiful world फॉर मैन और याद रखिए परमेश्वर ने तो एक बहुत सुंदर संसार को मनुष्य के लिए the, बनाया The planet Earth। और इस पृथ्वी के लिए और इस पृथ्वी इस संसार में परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर बगीचे को बनाया Man's food had to be द फ्रूट ऑफ ऑल द ट्रीज इन द गार्डन एक्सेप्टीज विच गॉड कमांडेड यू शैल नॉट टू शॉट ईट और मनुष्य का भोजन से सारे पेड़ों के फल और फूल थे सिर्फ दो ऐसे पेड़ थे जिनके प्रति परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि इनमें इनके फल तुम मत खाना एंड मैन Disobeyed that command by listening to Satan's voice. Because God told them the day you eat the fruit of that one particular tree, which is the tree of uh, uh, good and knowledge, uh, and He said, the day you eat. फ्रॉम दट ट्री द फ्रूट यू क्योंकि मनुष्य से कहा था कि जिस दिन उन पेड़ों में से खाएगा मर जाएगा। शैतान आया और उस आज्ञा के प्रति उसने अपने आप उस आज्ञा को उन्हें बताया और उसे पलट करके उस वचन को उन्हें बताया Told you that. और उन्होंने परमेश्वर का क्या कारण था वेन यूट यू बिकम लाइक गॉड हिमसेल्फ लेकिन उसने ऐसा कहा कि अरे मरोगे नहीं लेकिन मरने की बजाय तुम तो ऐसे हो जाओगे कि मानो परमेश्वर के समान And they ate. और उन्होंने उस वृक्ष से and खाया और you know और उसके बाद परिणाम आपको पता है मनुष्य तो परमेश्वर अनुग्रह से गिर कौन और अपने अनंत काल के जीवन को खो दिया him, uh, with God. और अपने उस जीवन को उसने खो दिया जो उसे परमेश्वर के साथ जोड़ता था However, लेकिन फिर भी गॉड कैरीड आउट प्लान टू रिडीम मैनकाइंड लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को निरंतर रूप से बनाए रखा रक, कि वो मनुष्य को फिर से छुटकारा दिलाए रिडीम आवर लाइफ हैिचुअल डेथ और हमारे जीवनों को छुटकारा दे उन जीवनों को जो पाप और नाश की ओर बढ़ रहे थे वी बिलोंग टू हिम बाई क्रिएशन और हम तो सृष्टि के सृज जाने से ही परमेश्वर के थे एंड ट्रू द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आर नाउ रिडीम्ड और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें छुड़ा लिया गया सो बाय रिडेम्पशन आल्सो वी बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट और इसलिए छुटकारे के द्वारा भी हम प्रभु यीशु के हैं एंड ही नोस ईच वन ऑफ अस एंड ही नोज अस बाय आवर नेम वो हमें से हर एक को नाम से जानता है रिटर्निंग टू अवर टेक्स फॉर टूडे और जब हम दोबारा अपने वचन की ओर आज की सुबह वापस जाए uh, और इसराइली जो थे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध मुंह फेर लिया ऑल द मिरोपर ने ब्रॉट आउट ऑफ द स्लेवरी

खोप और यह वचन इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से दिखाते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर के समान बनने के प्रति असफल तो असफलता को दिखाते हैं परमेश्वर के प्रति कि कैसे वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं बनाइटिंग दिस बुक और जब यशिया नबी इस uh, पत्री को या इस भाग को लिख रहा था जूडा वॉज नॉट येट सीकिंग गॉड और कॉलिंग ऑन हिम फॉर एंड हेल्प। तब भी यहूदा जो नगर था वो परमेश्वर पर से गुहार नहीं लगा रहा था और ना ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि वो परमेश्वर उनकी उन्हें माफ करे और उनकी सहायता करे विलिंगफुली विलफुली इन देयर प्राइड और उन्हें निरंतर रूप से पूरी इच्छा और इच्छा के साथ वो अपने घमंड में इस गलत बातों में बढ़ते And चले गए। और अपने घमंड की बुराई के कामों में वो निरंतर बने रहे That's what verse 24 says, और इसी बात को चौबीसवा वचन भी दिखाता है एंड इट्स यू हैव नॉट ब्रॉट एनी फ्रेग्रेंट कलम फॉर मी or lavished on me the fat of your sacrifices. and that is an expression of god's disappointment in his people. though they were rebellious and disobedient, they are failing now. to return to God and be grateful to God. और ये वचन इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर निराश है अपने लोगों के प्रति कि वे उसके लोग आसफल हो गए हैं अनाज्ञाकारी हो गए हैं और आसफल हो गए कि दोबारा उसकी ओर लौट आए It means simply and plainly बात बात समझाती है कि सिर्फ एक ही बात की आशा मनुष्य से परमेश्वर लगा सकता था और वो थी असफलता is all God could expect from. और उतनी ही आशा परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर लगा सकता And my friends, How marvelously God has brought us out of darkness of sin and slavery to the devil. into the marvelous light of Jesus Christ और मेरे मित्रों देखिए किस प्रकार से परमेश्वर हमें अपनी अद्भुत ज्योति में ले आया उस शैतान के अंधकार से बाहर निकाल करके he forgave our sin and rebellions and disobedience और उसने मेरे, हमारे सारे पापों को हमारे विरोध को हमारे ठुकराने को सबको माफ कर changed दिया changed us हमें बदल दिया and made us new creations in Jesus Christ और प्रभु यीशु मसीह में हमें एक नई सृष्टि बना दिया and

गॉड और इसी तरीके से हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते, पहुंचाते so my, uh, my इसलिए मेरे भाइयों और बहनों Always remember हर समय इस बात को याद रखें faithful to this God who has done amazing things that no other power or man could ever डू फॉर आस की हम इस परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बने रहे जिसने हमारे लिए ऐसी बातों को किया जो कोई दूसरा मनुष्य या कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता था so इसलिए परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बने रहे और इस संदेश या इस मनन का एक दूसरा भाग है which we shall consider this coming Tuesday morning. जिसे हम मंगलवार uh, की सुबह हम इसका मनन करेंगे एंड वी शैल कंसिडर We said uh, the last sentence was, uh, you know, only uh, God could only expect failure, utter failure from man. I could only expect failure, utter failure from So in our next meditation, we are going to consider how there are three things, three points in which they have totally failed. God. और अपने अगले मनन में हम इस बात का अध्ययन करेंगे तीन ऐसी बातें हैं जहाँ पर मनुष्य ने परमेश्वर को पूरी तरीके से असफल कर दिया वॉट आर दी थ्री थे और ये कौन सी तीन बातें हैं That's what we will consider in वी next टाइम ऑफ meditation. और इसलिए अगले मनन में हम इन तीन बातों का अध्ययन करेंगे बट meanwhile, लेकिन तब तक मे द लॉर्ड ग्रैंड यू हिस्स नॉट टू बी डिस and the power of the holy spirit to be overcomers. God bless you. as you try to glorify god and please god in all your actions and all your behavior. God i pray that each one of these the listeners...

God bless you. परमेश्वर आप सब This को is a great and good day. Enjoy your day. और ये एक आनंदित दिन है एक अच्छा दिन है इसका आनंद आप लेते रहे आमेन